नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस सेशन में इंस्टाग्राम के बारे में। कैमरे में जो इंस्टाग्राम होता है वो क्या काम आता है, उसके ज़रिए अपन किस चीज़ को मतलब माप सकते हैं या जान सकते हैं, वो कहाँ अपने को हेल्पफुल होता है, तो उसी के बारे में मतलब बात करेंगे इसमें। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम दोस्तों, देखिए फोटोग्राफी के जो टोनल रेंज है उसका ग्राफ को बताता है, ठीक है? अगर अपन सीधी भाषा में अगर देखें तो इंस्टाग्राम के जरिए अपन अपने एक्सपोजर को भी माप सकते हैं या समझ सकते हैं कि अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपन पता कर सकते हैं कि अपना जो एक्सपोजर है वो बैलेंस है या ओवर है या अंडर है, ठीक है? अब इंस्टाग्राम में अगर आपका ब्लैक एरिया है या डार्कर एरिया है, ठीक है, या अंडर है, तो उसको ब्लैक से मापते हैं। अगर आपका जो शेडो एरिया वगैरह है उनमें ब्लैक कलर से अपन मापते हैं। और जो ओवर है, ठीक है, जो वाइटर एरिया है तो उसको अपन वाइट से मापते हैं। अब इसमें जैसे मान लो आपने कोई फोटो खींची, फोटो खींचने के बाद में आपको कैसे पता चले कि जो इंस्टाग्राम जो आपका ग्राफ जो बता रहा है उस ग्राफ में कैसे पता करें कि आपका जो एक्सपोजर जो है वो बैलेंस है या मतलब ओवर है या अंडर है, तो उसी के बारे में मैं इसमें चर्चा करेंगे। देखिए, आपने अगर इंस्टाग्राम का अगर आपको पता है तो आप जब इंस्टाग्राम ऑन कर देते हैं कैमरे में, तो जब आप फोटो खींचने के बाद में जब मल्टी सिलेक्टर बटन का ऊपर वाला जो बटन है उसको अगर दबाते हैं तो वो बताता आपका इंस्टाग्राम, एक राइट साइड में आपका एक फोटो भी आपको शो होती है, उस फोटो के अंदर आपको पहाड़ जैसे दिखता है, ऐसे वाइट बॉर्डर के अंदर, ठीक है, पहाड़ जैसे दिखता है। तो वो अगर राइट तरफ पहाड़ जैसे बन रहा है, इसका मतलब वो जो है आपकी जो एक्सपोजर है वो ओवर है, आपके जो इमेज के अंदर आपका वाइटर एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मान लो आपका लेफ्ट साइड के अंदर आपका जैसे पहाड़ जैसे बन रहा है, तो मतलब आपका डार्कर एरिया ज़्यादा है आपकी इमेज में या शेडो एरिया ज़्यादा है। तो और अगर मान लो आपका जो पहाड़ जैसा अगर बीच सेंटर के अंदर अगर बन रहा है, ठीक है, मतलब आपका जो एक्सपोजर है वो बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। अगर किसी को पता ना हो कि इंस्टाग्राम कहाँ से अपन चेक करते हैं, तो प्लेबैक मेन्यू का जो ऑप्शन है कैमरे में उसमें जाइएगा, ठीक है, प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन में, उसमें ऑप्शन मिलेगा प्लेबैक मेन्यू में। जब आप प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन में जाओगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप अपने इमेज का डिटेल देखना चाह रहे हो, फोकस पॉइंट देखना चाह रहे हो, आरजीबी हिस्टोग्राम देखना चाह रहे हो या ओवरव्यू, इस तरह से आते हैं। ओवरव्यू अगर आप कर लेते हैं तो पूरा पूरा हिस्ट्री बता देता है कि आपका फोकल लेंथ क्या रखा, आईएसओ क्या रखा, ठीक है, स्टर स्पीड क्या रखी आपने उस इमेज की, पूरी पूरी डिटेल आ जाती है। या अगर आप केवल इंस्टाग्राम देखना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर जब ओके कर देते हो केवल आपका इंस्टाग्राम ग्राफ ही शो करता है। या फिर अगर आपका फोकस पॉइंट ही देखना है तो फोकस पॉइंट पे जाके जब आप ओके कर देते हैं तो आपके वो इमेज है जो खींची गई इमेज है उसमें फोकस पॉइंट कितने यूज हुए हैं वो आपको शो कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप, और मैं अगर आपको कैमरे के अंदर अगर आप दिखाना चाहूँ मैं आपको, तो बिल्कुल आपको कैमरे में भी दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मेरा जो निकोन का D5600 कैमरा है, इसमें दिखाने की मैं आपको मेन्यू का बटन दबाता हूँ, कोई सा भी कैमरा हो मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में जाने के बाद में ये ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है, प्लेबैक मेन्यू जो लिखा हुआ आ रहा है प्लेबैक मेन्यू, इसमें जाओगे, नीचे आपका प्लेबैक डिस्प्ले का ऑप्शन है, इसको ओके करोगे, ये देखिए नन, ओनली इमेज देखनी है, ठीक है, हाईलाइट्स देखने हैं इमेज में, इंस्टाग्राम देखना है इमेज में, शूटिंग डेटा देखना है या ओवरव्यू देखना है, ठीक है। अगर ओवरव्यू मतलब पूरी पूरी डिटेल आ जाती है ओवरव्यू के अंदर, ठीक है जी,
मैंने कर दिया ओवरव्यू। ओवरव्यू करने के बाद में कुछ इमेज हैं, उस इमेज के जरिए भी मैं आपको इंस्टाग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मेरी जो इमेज है ये वाली इमेज है, ठीक है जी, एक ये इमेज है, इसका मैं अगर इंस्टा एक ये इमेज है, ठीक है, ये तीनों इमेज मेरे पास में, एक ये है एक ये है। अब जैसे फर्स्ट इमेज है मेरी, इसको मैं करूँ तो ये देखिए, अब इसमें जो मेरा इंस्टाग्राम जो दिखा रहा है ग्राफ, ये वाला जो वाइट वाइट दिखा रहा है ना ऊपर वाला, बिल्कुल ऐसे बनेगा आपके इमेज में भी अगर आप ओन कर देते हैं तो, ऐसे दिखाता है। तो मतलब राइट साइड के अंदर पहाड़ जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर है मेरी फोटो, ठीक है दोस्तों। ओवर व्यू का मतलब इसमें पूरा पूरा डिटेल दिखा देता है कि मैनुअल मोड में खींची गई है, स्टर स्पीड ये रखी गई है, अपर्चर ये रखा गया आपका, और ISO ये रखा गया है, फोकल लेंथ कितनी रखी गई है, ठीक है, वाइट बैलेंस क्या था, ठीक है, अपर्चर पिक्चर कंट्रोल क्या रखा था, तो वो सारी डिटेल, और ये ग्राफ तो बताता ही है आपका, ठीक है। अगर दूसरी इमेज की मैं बात करूँ, एक ये इमेज है, ठीक है, अगर एक तीसरी इमेज की बात कर लेते हैं इसकी, इसकी अगर अपन बात करें, ये देखिए इसका ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये लेफ्ट साइड के अंदर पूरा पूरा पार्ट बन रहा है ना इस इमेज में, मतलब ये लेफ्ट साइड में है तो ये अंडर है फोटो, ठीक है। और अगर मैं इस इमेज की बात करूँ, अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए, इस इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, सेंटर में है, मतलब इसका जो एक्सपोजर है मेरा जो है वो बैलेंस्ड है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका एक्सपोजर चेक करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का यही था मेरा, तो मेरे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।